सन के कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसकी कोर ना ही सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में है। लाइट को सन के सेंटर से सन के सरफेस तक आने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स क्यों लगते हैं? सोलर विंड्स फॉर्म कैसे होती है और क्या है सन की कोर में? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले सन, हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो कि 287 बिलियन किलोमीटर्स में फैला है, इतने बड़े सोलर सिस्टम का 99% ऑफ मास अकेला सन ही ऑक्यूपाई करता है और बाकी 1% मास प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटियर्स और कॉमेट्स ऑक्यूपाई करते हैं। सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर्स जितना है। सन के सरफेस का टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम सन के और अंदर जाते जाए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इस टेम्परेचर पर सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो सवाल आता है कि सन की कोर किस स्टेट में है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट है, जिसमें से सन की कोर प्लाज्मा स्टेट में है। सन की डेंसिटी भी कुछ कम नहीं है, इसलिए जो लाइट सन से अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट्स लेती है और जिस लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मानी जाती है, उसी लाइट को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। सन के कोर में यह लाइट बनती कैसी है? आसान भाषा में कहो तो सन के कोर में फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें एटम्स मर्ज होते हैं और एनर्जी और लाइट को एमिट करते हैं। सन 600 मिलियन टंस ऑफ हाइड्रोजन को हर एक सेकंड 596 मिलियन टंस ऑफ हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी बचा 4 मिलियन टंस हाइड्रोजन एनर्जी के फॉर्म में एमिट होता है। ये सुनने में काफी ज्यादा लग रहा होगा, पर यूनिवर्स के स्केल पे ये कुछ नहीं है। सन 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और बाकी 2% कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बाकी एलिमेंट से बना है। सन के सरफेस पे आप जो ये डार्क एरिया देख रहे हैं, इन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। ये डार्क इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये एरिया सन के बाकी एरिया से कूल होते हैं, यानी सन के सरफेस से इनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। सोलर विंड्स, ये भी इन सन स्पॉट्स की वजह से ही एमिट होते हैं। सोलर विंड्स एक तरह के एनर्जी का एमिशंस होता है, जो कि सन स्पॉट्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं। ये सोलर विंड्स इतनी पावरफुल होती है कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो अर्थ का हल भी कुछ मार्स जैसा हो जाता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बी क्यूरियस एंड कीप क्वेश्चनिंग।